नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज़। सोशल मीडिया पर वायरल क्या सच है, एक साथ कई समाचारों के साथ हम हाजिर हैं आपको लेकर आज की न्यूज़ अपडेट अंधेशकों से संबंधित। साथियों, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़, एक साथ कई समाचार हम बताएंगे यहाँ पर। क्या कहा अमिताभ अग्निहोत्री ने प्रार्थना के रूप में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के लिए। अब क्यों सपा ने शामिल किया घोषणा पत्र में अनुदेशकों से संबंधित अनुदेशकों को नियमितीकरण करने के लिए। पूरा समाचार विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बधाई के साथ उनका दर्द था, कहीं सर कोई खास बात तो नहीं पता लग गई। जितने साल अनुदेशकों ने गुजार दिए अंधेरे कमरे में बंद होकर, वो अंधेरा जल्द दूर होने वाला है, ऐसा मुझे अपने अंतर मन से आवाज आ रही है। और यह आवाज खुलेगी तब जब उस पर विधिवत मोहर लगेगी। चाहे आप कुछ भी हमें पूछते रहिए, कहते रहिए, हर चीज का एक आदेश होता है, और आदेश होता है उस मुकाम को अंतिम पायदान तक ले जाने वाला, जहां जब छपकर आएगा कि अब अनुदेशकों को अपना रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा और उन्हें किसी हेडमास्टर के सामने नहीं गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उन्हें 11 माह का नहीं पूरे 12 माह का वेतन मिलेगा, उन्हें बीएसए दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उन्हें 100 से 150 किलोमीटर जाने वाली दूरी अब तय नहीं करनी होगी, समायोजन के तहत उनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। उस आदेश का बेसब्री से इंतजार है और यही सुनने के लिए आप सब लोग लालायित हैं। और मैं कहता हूं कि उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्द ही वो आदेश प्रत्येक जिलाधिकारी, प्रत्येक बेसिक शिक्षा अधिकारी की टेबल पर जल्द नजर आए। मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद कामयाबी पे तभी जाएगी जब वो आदेश आपको नजर आए। तब तक कहना हर बात बेमानी होगी और हर बात अनुदेशकों के अंदर उत्पन्न। साधु, देखा आपने किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए एक स्तंभ। शुभमा मिश्रा जी ने भविष्यवाणी की अनुदेशकों के भविष्य को लेकर। यहाँ पर एक और बात कहेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा है सरकार से, जी मेरा अनुरोध होगा कि अन्वेषकों को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप वेतन दिया जाए, ताकि ये और इनके परिवार सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। अमिताभ अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये सूचना योगी आदित्यनाथ जी के लिए ट्वीट किया है। साथियों, इसके अलावा अनुपूरक बजट ट्वीट हेडलाइन या टैगलाइन कह सकते हैं के रूप में लगातार ट्विटर पर वायरल हो रही है। अनुपूरक बजट अनुदेशक मांगे नियमितीकरण, अनुदेशक शिक्षक उत्तर प्रदेश, श्रीमान उत्तर प्रदेश ऐसे मजबूत इरादों के लिए नहीं जाना गया है। एक लकीर तो आपको खींचनी ही होगी जो मिसाल बने, ऐतिहासिक निर्णय लीजिए। ये रिक्वेस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार के समक्ष रखते हुए पीड़ित अनुदेशक और उनके हितैषी साथियों, अब बारी आ गई है कि सरकार को अपनी दया दृष्टि अनुदेशकों पर करनी ही होगी साथियों, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इलेक्शन नज़दीक है। यहाँ पर एक और ट्वीट है, अनुपूरक बजट मांगे नियमितीकरण अनुदेशक, अनुदेशक शिक्षक उत्तर प्रदेश 2022, मतलब अनुदेशक हैशटैग सम्मान ऐतिहासिक निर्णय लीजिए श्रीमान। जैसा कि मैं बता रहा था कि लगातार ट्विटर के माध्यम से ये टैगलाइन चल रही हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अनुदेशकों को नियमित किया जाए। अभी हाल ही में कैनविस टाइम ने अनुदेशक के पूरे जीवन को, जब से वो लगे हैं यानी कि 2013 से अब तक का पूरा समाचार सुनाया है और अपनी
अपने पेपर में जगह दी है योगी सरकार से अनुदेशकों की गुहार, अब तो नियमित करो सरकार। अल्प मानदेय में जीवन यापन करना हुआ मुश्किल, सरकार से है बेहतरी की आस। कन्विंस टाइम ने लिखा है कि भले ही अच्छे दिन आ गए लेकिन अभी तक अनुदेशकों के अच्छे दिन नहीं आए। साथियों, आगे दिखाएंगे किस तरह अखिलेश यादव से डायरेक्ट मंच पर मिले अनुदेशक और दिया मांग पत्र नियुक्तिकरण की बात अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, प्रिय अनुदेशक साथियों, सतन पुरोहित का सादर नमस्कार। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी से अनुदेशकों को समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में अनुदेशक नियुक्तिकरण का 2022 के चुनाव में सम्मिलित करने का ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने घोषण पत्र शामिल करने एवं 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर नियमित करने का आश्वासन दिया। मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें उस मंच की दिखाना चाहूँगा जहाँ पर अनुदेशक लीडर्स माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिले और नियुक्तिकरण के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अपने घोषणा पत्र में आपकी इस मांग को अवश्य दर्ज करेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर अनुदेशक लीडर्स ज्ञापन सौंपते हुए। साथियों, अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनुदेशक न्यूज़। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।